महाजनको में मुख्य अभियंता भर्ती भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर जांच शुरू की गई है। इसके लिए जांच समिति भी गठित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव समिति ने पात्र उम्मीदवारों को छोड़ नियमबाह्य अपात्र उम्मीदवारों का चयन किया है। महाजनको ने 22 मई 2017 को भर्ती प्रक्रिया चलाई थी, जिसमें 3 उम्मीदवारों का मुख्य अभियंता पद पर चयन किया गया था, लेकिन इसमें चयन समिति ने पात्र उम्मीदवारों को छोड़ खापरखेड़ा बिजली केंद्र में नियमबाह्य मुख्य अभियंताओं का चयन किया। इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक रामटेके ने जनसंपर्क अधिकारी से जानकारी मांगी थी। इस जानकारी के अनुसार खापरखेड़ा बिजली केंद्र में नियुक्त करने वाले मुख्य अभियंता पद के लिए समिति ने अपात्र उम्मीदवारों के 10 अंक बढ़ाकर उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किए जाने की जानकारी सामने आई थी। मुख्य अभियंता भर्ती भ्रष्टाचार में होने की जानकारी सामने आते ही अध्यक्ष व व्यवस्थापक के संचालक ने जांच के आदेश दिए। जांच के 1 महीने बाद ऊर्जा मंत्री के सामने इसकी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मुख्य अभियंता मामले में भ्रष्टाचार होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें महाजनको द्वारा हुई यह गलती सुधारने की जानकारी मिली है। महाजनको द्वारा हुई गलती को छुपाने के लिए मुख्य अभियंताओं के अन्य जगहों पर तबादले कर भर्ती मामले में पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। उधर इसके लिए ऊर्जा मंत्री ने भी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। इनबीसीएन न्यूज के लिए वल्नी सिलेवाड़ा से मयूर तिरपुड़े की रिपोर्ट।